एंड या आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू बिग बॉस बिकॉज नया टैलेंट आता है, नए लोग देखते हैं, जैसे मनीषा रानी भी मुझे बहुत पसंद थी, आसिम बहुत अच्छा लगा था. मैं जब सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम थे, आई वॉज रूटिंग फॉर आसिम क्योंकि मुझे वो अंडरडॉग लगा था. ये जो बोल रहा है यूट्यूबर्स को मौका नहीं मिलना चाहिए, उनको बोलो आप लोग घर चले जाओ. मुझे मेरी जो रिस्पेक्ट यूट्यूबर्स के लिए है वो एक्टर्स से बहुत ज्यादा है. मेरे फेवरेट अभिषेक ही थे. सर, बिग बॉस 17 में आपका नाम आ रहा है. अरे बाप रे. सच्चाई है. बस देखते रहिए, मुझे मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा. आप देखिए, बस बहुत जल्दी शो आएगा, मैं हूँ या ना हूँ आप शो देखिए, फिर आपको पता चलेगा. आप बिग बॉस फॉरवर्ड भी रह चुके हैं. जी हाँ. तो एज ए कंटेस्टेंट जाना पसंद करेंगे बिग बॉस में? आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट दैट राइट नाउ. मैं कुछ नहीं बोलूँगा. बिग बॉस OTT में एलविश यादव जीते प्रीमियम एपिसोड में जहाँ आप भी मौजूद थे. उपरा इंसान को दिबांग जी ने नकली हवा कहा था और आज वो सबके दिल से राज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो दिबांग जी का एक पर्सनल ओपिनियन था, मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा था. दैट वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू. मुझे अभिषेक कभी भी हवा जैसे जो उन्होंने बोला था मुझे नहीं लगा था. इनफैक्ट मुझे लगा था ही वाज अ वेरी कॉन्फिडेंट गाय. एंड ऑल्दो एल्विश वॉज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, एल्विश मेरे फेवरेट अभिषेक ही थे क्योंकि मुझे लगता था कि अभिषेक की जो जर्नी थी वो बहुत लंबी थी. वो डे वन से बिग बॉस में थे. एल्विश को एक एडवांटेज था दैट ही केम मिडवे, लेकिन ये भी बहुत अच्छा था और बहुत इम्पॉर्टेंट था कि एक वाइल्ड कार्ड जीते. तो मेरे लिए जैसे लास्ट ईयर शिव ठाकरे एंड MC Stan के बीच में था, आई वॉन्टेड शिव ठाकरे टू विन, बट आई वॉज वेरी हैप्पी दैट MC Stan वन बिकॉज मुझे लगता था कि दोनों बहुत ही डिजर्विंग थे. इस बार भी एग्जैक्टली वो है, आई वॉन्टेड अभिषेक टू विन, बट जब एल्विश जीता आई वॉज इक्वली हैप्पी क्योंकि मुझे लगता था दोनों डिजर्विंग है. लेकिन अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे तो फॉर मी आई वॉन्टेड अभिषेक टू विन. अगर आप बिग बॉस में जाते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी से जाएंगे? अगर जाते हैं तो? अगर जाता हूँ तो तब मैं स्ट्रैटेजी तब सोचूंगा. अब जब वो नियर डेट आएगा तब सोचेंगे, अभी अभी कुछ भी नहीं. अच्छा, इस बार मतलब बिग बॉस में मतलब आर्टिस्ट के साथ साथ यूट्यूबर्स को भी मौका दिया गया था. मुझे इनफैक्ट गुड क्वेश्चन, मुझे ये पॉइंट बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि मुझे मेरी जो रिस्पेक्ट यूट्यूबर्स के लिए है वो एक्टर्स से बहुत ज़्यादा है क्योंकि मुझे लगता है यूट्यूबर्स वो टैलेंट है जो अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाते हैं. हम जब एक्टर्स और जो भी हम देखते हैं उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, उनको बताया जाता है क्या करना है, लेकिन जो यूट्यूबर्स है वो अपने बल पे, अपनी मेहनत पे वो अपनी स्क्रिप्ट्स खुद डिज़ाइन करते हैं, वो अपना कंटेंट खुद बनाते हैं. तो मेरे लिए यूट्यूबर्स एंड जो भी सोशल मीडिया पे जो जो टैलेंट आया है मेरे लिए वो बहुत ही मेरे मन में उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है बिकॉज आई थिंक उनका वर्क बहुत ही ज़्यादा है एंड आई थिंक दे आर डूइंग अ फैंटेस्टिक जॉब ऑफ एंटरटेनिंग अस. तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये नया प्लेटफॉर्म खुला है कि चैनल्स यूट्यूबर्स एंड सोशल मीडिया में जो टैलेंट है उसको अपॉर्चुनिटी दे रही है. आई थिंक टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती, टैलेंट की कोई परिभाषा नहीं होती. वी शुड फाइंड डिफरेंट एवेन्यूज, डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट एरियाज टू फाइंड द टैलेंट एंड आई थिंक फुल मार्क्स टू कलर्स फॉर डूइंग दैट. इट इज़ अ फैंटेस्टिक एफर्ट. यहीं पे अर्चना जी ने बोला था कि एक बिग बॉस ही ऐसा प्लेटफॉर्म था जो हम लोग के लिए था, वहाँ पे भी यूट्यूबर्स कब्जा कर रहे हैं, मतलब यूट्यूबर्स को मौका दिया जा रहा है, तो हम कहाँ जाएं? तो अर्चना को बोलो घर चली जाए वापस. आई डोंट नो, अर्चना को जो करना, जहाँ जाना है जाए. माय पॉइंट इज कि मुझे लगता है कंपटीशन इज बेट, मतलब एटलीस्ट फॉर मी आई वर्क बेस्ट अंडर प्रेशर और मुझे लगता है अगर कंपटीशन है तो हर इंसान को उसका बेटर निकालना पड़ेगा बिकॉज आज लाइफ और टैलेंट इतना आसान नहीं है. मुझे लगता है अर्चना जैसे दूसरे लोगों को भी ऑन गार्ड रहना चाहिए कि आप अपना गेम अप करिए, आप अपना टैलेंट ज़्यादा निखारिए क्योंकि अगर कंपटीशन होगा तभी टैलेंट बढ़ेगा. तो आई एम ऑल फॉर कंपटीशन, जितना कंपटीशन होगा उतना ही अच्छा होगा. लास्टली अभिषेक जी का हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बोला था चलिए ट्रॉफी घर में ही आए क्योंकि यूट्यूबर्स में भी, यूट्यूबर्स एलविस भी है. ऑफ कोर्स, ठीक है. तो वो यूट्यूबर्स बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि यूट्यूबर्स को मौका नहीं मिलना चाहिए, मतलब क्या लगता है आपको? ये जो बोल रहा है यूट्यूबर्स को मौका नहीं मिलना चाहिए, उनको बोलो आप लोग घर चले जाओ बिकॉज जैसे मैंने बोला टैलेंट नीड्स टू बी गिवन द पुश. मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मतलब टैलेंट जहाँ भी है, आप इंडियन आइडल देख लो, आप सिंगिंग शोज देख लो, आप डांसिंग शोज देख लो, मतलब
कोने कोने से सिंगर्स आते हैं, कोने कोने से डांसर्स आते हैं, वो जो जी का डांसिंग शो है या सोनी का डांसिंग शो है, हम मतलब ऐसी ऐसी जगहों से डांसर्स आते हैं, मैंने फ्रेंकली वो जगह सुनी भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि इंडिया में ऐसी कोई जगह है। तो यू नो अगर टैलेंट, सिंगिंग और डांसिंग टैलेंट देश के कोने कोने से आ सकता है, तो यूट्यूबर्स क्यों नहीं, इंस्टाग्राम टैलेंट क्यों नहीं। तो ये इस चीज़ से जिनको भी आपत्ति है, मेरे लिए वो बहुत ही इनसिक्योर लोग हैं, और उनको अगर कंपटीशन डर लगता है तो उनको अपना बोरिया बिस्तर बांध के घर चले जाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन तो होने वाला है एंड कंपटीशन इज ऑलवेज गुड। सो आई थिंक अगर आप अपनी गेम में इतने कॉन्फिडेंट है तो यू हैव टू एक्सेप्ट कॉम्पिटिशन विद ओपन आर्म्स, यू कैनॉट रन अवे फ्रॉम इट। लास्टली आपने सारे बिग बॉस फॉलो किए हैं, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन रहा है? ओ इनने इतने सीजन्स में थे तो बोलना मुझे आसिम बहुत अच्छा लगा था। मैं जब सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम थे, आई वाज रूटिंग फॉर आसिम, क्योंकि मुझे वो अंडरडॉग लगा था। जैसे सबको पता है शिव ठाकरे हैज बीन माय फेवरेट, मैं तो इनफैक्ट मराठी बिग बॉस भी देखता हूँ और मुझे उसमें भी शिव ठाकरे बहुत अच्छा लगा था। अभिषेक इज वेरी गुड। कुछ टाइम पहले देयर वाज अभिषेक चौबे, इफ आई रिमेम्बर द नेम, इन सीजन टू, वो आई थिंक रोडीज के कंटेस्टेंट थे, ही वॉज वेरी नाइस। फिर जब जो सीजन मैंने किया था उसमें एक मॉडल थी, यू नो वो हिंदी नहीं बोल सकती थी, इनफैक्ट आई एम सॉरी आई जस्ट फॉरगॉटन द नेम, बट शी वॉज वेरी वेरी फेमस। तो मुझे लगता है एक कंटेस्टेंट का नाम लेना बहुत ही मुश्किल है, देयर हैव बीन सम वेरी इंटरेस्टिंग पीपल एंड या आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू बिग बॉस बिकॉज नया टैलेंट आता है, नए लोग देखते हैं। जैसे मनीषा रानी भी मुझे बहुत पसंद थी, आई थॉट मनीषा रानी वॉज वेरी गुड। तो जिन लोग जो लोग मुझे पसंद आए थे वो लिस्ट तो काफी लंबी है, जो लोग नहीं पसंद आए थे वो लिस्ट छोटी है, और वो मैं बोलूंगा भी नहीं कि कौन पसंद नहीं आए थे, बिकॉज मेरी जब इंटरव्यूज होती है उससे लोगों को पता चल ही जाता है जो मुझे लोग पसंद नहीं आए थे, बट दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। ऑडियंस लव देम, पीपल लव देम, सो दैट्स गुड फॉर देम। लास्टली सर एक और, जो आपको देखना चाहते हैं बिग बॉस में, जो आपके फैंस हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको देखना चाहते हैं? हां बिग बॉस को छोड़ने वाले नहीं हो, जो मुझे बिग बॉस में देखना चाहते हैं वो वेट करिए। अगर बिग बॉस में कंटेस्टेंट की तरह नहीं तो एक एपिसोड में आऊंगा, अगर एक एपिसोड में नहीं तो कंटेस्टेंट की तरह आऊंगा। वो कैसे आऊंगा, कब आऊंगा, तो आप देखते रहिए एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फॉर टॉप सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स, सब्सक्राइब टू टेलीबाइट्स राइट अवे।